हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 7 शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 6 में मैंने है ना ये इस चीज पे बात की थी कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं हल्का सा वो चीज रिवाइज भी कर देना चाहता हूँ क्योंकि उस चीज की यहाँ इस लेक्चर में भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस जिसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है मैं समझाता हूं। तो ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी बातचीत की थी इस चीज पे। ठीक है, और यहां पे भी उस चीज को रिवाइज करता हूं। क्या कि मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, ए ए प्लस बी बी चेंजेस इंटू सी सी प्लस डी डी। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, ए ए प्लस बी बी चेंजेस इंटू सी सी प्लस डी डी। ठीक है, एक रिएक्शन हो रहा है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि ए के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस और डी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस हमेशा सेम होंगे, हमेशा सेम होंगे। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही कहता है क्या कि किसी रिएक्शन में सभी चीजों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का क्या तरीका है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। आपको यह भी याद होगा कि लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 6 में मैंने वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना बताया था। ये मेन फॉर्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का मेन फॉर्मूला है। इसमें आपने देखा था वैलेंसी फैक्टर मैंने सिखाया था आपको कि एसिड का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, बेस का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, आयन का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया कि एलिमेंटल गैसेस का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है। ठीक है, एलिमेंटल गैसेस का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है। मैंने यह भी समझाया कि एसिडिक ऑक्साइड का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है, बेसिक ऑक्साइड का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, और यह भी बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इन चीजों पे मैंने ना डिटेल्ड बातचीत की। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में भी पहले से पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, चार तरीके से, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ एनी गैस डिवाइड बाई 22.4। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, और मैंने यह भी आपको बताया था कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके भी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स करके भी है ना नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलता है। इसके अलावा मैंने कहा था कि आपको आप डायरेक्ट इसको भी निकाल सकते हैं, कैसे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करके निकाल सकते हैं, जहां पर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। एक बात, ठीक है, ये आपको अलग से याद रखना है। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज है मैं इसको ना वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम करके भी निकाल सकता हूं। ठीक है, बट शर्त क्या है, जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज 22.4 लीटर्स डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, और मैं इसको नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम करके भी निकाल सकता हूं, नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम करके भी निकाल सकता हूं, है ना, जहां पे नॉर्मैलिटी जो होता है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर्स होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर्स हो जाएगा, ये नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब इतना क्लियर है कि पिछले लेक्चर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था उसको पढ़ने के बाद यह क्लियर हो गया कि किसी रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होते हैं, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकलते कैसे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर करके निकल जाते हैं। ये इसका पूरा
होलिस्टिक व्यू है, अगर आप इसको पूरे को एक साथ देखते हैं तो आपको पूरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, आप पूरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एक साथ समझ सकते हैं, पूरा ताना बाना एक साथ दिखाई पड़ता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अगर अच्छा कुछ रूल्स भी हैं, क्या है ना, कुछ रूल्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए है और बी है, इसका वैलेंसी फैक्टर एक्स है और इसका वैलेंसी फैक्टर वाई है, तो मैं पक्का कह सकता हूं कि इसके नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्ट करेंगे वो वाई होंगे, वाई इज टू एक्स रेशियो में रिएक्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सबका क्या होता है, सेम होता है। तो अगर इसका वैलेंसी फैक्टर एक्स है, एक्स इज टू वाई इनका वैलेंसी फैक्टर है, तो पक्का मोल का रेशियो वाई इज टू एक्स होगा, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर और मोल्स मल्टीप्लाई करके इसका भी एक्स वाई आएगा और इसका भी एक्स वाई आएगा, और दोनों एक्स वाई आने चाहिए क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, ये बात कोई खुद से भी समझ सकता था, पर खुद से समझने के लिए छोड़ने से अच्छा है कि अगर कोई चीज आ रही है दिमाग में तो उस चीज को हम लोग लिख लें एज अ रूल। तो एक चीज और क्या सीखा कि whenever the valency factor of two species are in ratio of x is to y, then they react in mole ratio of they react in mole ratio of y is to x, then they react in mole ratio of y is to x। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसका वैलेंसी फैक्टर x is to y है तो मोल रेशियो y is to x होना चाहिए, ताकि x into y वैलेंसी फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स और वैलेंसी फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स x into y जो है मल्टीप्लाई होकर सेम आए, और सेम आना भी चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि किसी भी रिएक्शन में सभी लोगों के, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने थ्योरी तो देख ली, इतनी ही थ्योरी है इस लेक्चर में। ठीक है, बाकी मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, ये चीज मैं आप तक पहुंचाऊंगा क्वेश्चंस के जरिए। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, तो आइए इस पैरिश में पहला क्वेश्चन करते हैं, है ना। लगभग मैं 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, और इन 10 11 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में इस छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 0.74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 5 ml सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होता है तो आप बहुत ही छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, तो इस छोटे से लेकर हम लोग टफ क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है, अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। होता क्या है, कहा गया है नॉर्मैलिटी निकालने के लिए और मोलैरिटी निकालने के लिए। एक बात और है ना, मैं ये देख रहा हूं कि जो मैंने इसको लेक्चर नंबर 6 में बताया था, नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर। वॉल्यूम दोनों तरफ कट जाएगा, यानी मैं कहता हूं नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर आ जाए। अगर आप इस चीज को यहां रख दीजिए इसके बदले, और इस चीज को यहां रख दीजिए, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो एक और रिलेशनशिप यहां पे निकल के आएगा, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये एक्स्ट्रा है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर बहुत आसान है, आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, आप मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, आप नॉर्मैलिटी भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, या कोई एक निकालकर दूसरे में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता हूं। नॉर्मैलिटी कैसे आ जाएगा, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकल आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएगा, कई तरीके से आ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर कर सकता हूं मैं, ठीक है, या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर सकता हूं, दोनों तरीके सही है। मैं यहां पे ऐसे कर रहा हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम इन लीटर्स हम तुरंत निकाल सकते हैं, 5 ml है,
इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, तो आप देख सकते हैं अभी मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में सिखाया है कि ना ये बेस है, बेसिस का बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकलता है, जितने उसमें ओ एच माइनस आयंस होते हैं उतना उसका बैलेंसिंग फैक्टर हो जाता है, तो इंटू टू हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू टू हो गया। अब बात हुई नंबर ऑफ मोल्स इंटू बैलेंसिंग फैक्टर डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे वेट अपॉन, ये वाला फॉर्मुला लगा दिया मोल्स के लिए है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दूंगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16 प्लस 1 17, 17 टू जा 34, यानी ये 74 आ जाएगा, 74 आ गया, ठीक है। दिस इज 1 बाय 200 एंड दिस इज 1 बाय 100, 100 भी चला गया, 2 हो गया, यानी ये 4 नॉर्मल सॉल्यूशन आ गया, 4N, ठीक है। मोलैरिटी आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोलैरिटी आप है ना नॉर्मेलिटी के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बार मैं नॉर्मेलिटी के थ्रू कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी मुझे निकालनी है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर 2 है क्योंकि ये पानी में जाने के बाद बेस है, पानी में जाने के बाद 2 OH प्रोड्यूस करेगा, तो इनटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं, कितना आ जाएगा 4, यानी आप कह सकते हैं मोलैरिटी की वैल्यू 2m है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी 4n आ गई और मोलैरिटी जो है 2m आ गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन मेटल ऑक्साइड contains 47% oxygen by weight determine the equivalent weight of metal इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये पूछा गया, ठीक है। एक मेटल ऑक्साइड है जिसमें 47% ऑक्सीजन है बाय वेट, और पूछा गया है कि उसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना होगा, ठीक है। एक चीज बताइए, अगर मेटल और ऑक्सीजन मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, है ना, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल will be equal to number of equivalents of oxygen, क्योंकि इस metal oxide में उतने ही metal है जितना यहां से आया है और जितना यहां से आया oxygen आया है, ठीक है। तो चूंकि ये एक ही reaction का part है, तो law of equivalence लगा देते हैं। law of equivalence क्या कहता है कि किसी भी reaction में सबके number of equivalents क्या होंगे, same होंगे, ठीक है। तो यहां metal के और oxygen के number of equivalents same होंगे। metal के equivalents कितने हो जाएंगे, निकाल लेते हैं, weight upon equivalent weight, और ऑक्सीजन के निकाल लेते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। आपको पता है कि ऑक्सीजन 47% है, यानी इसका मास 53 ग्राम मान लीजिए और इसका 47 ग्राम मान लीजिए, ठीक है। परसेंटेज मान लीजिए टोटल जो है 100 ग्राम है, तो इसका 53 ग्राम मान लीजिए, इसका 57 मान लीजिए, तो मैं कह सकता हूं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, और ऑक्सीजन के लिए क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन यहां पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां पे -2 है, ठीक है। मैंने हमेशा कहा कि रिएक्टेंट में कितना है, एक मोल रिएक्टेंट के लिए हम वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं, एक मोल लेने पे ये 2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0, या एक ऑक्सीजन पे अगर -2 है तो 2 पे कितना हो जाएगा, -4। चेंज कितने का आया, चेंज आया 4 का, 4 का डिक्रीज है, ठीक है। ऐसे ही आपको याद होगा मैंने लेक्चर नंबर 6 में, अगर कोई भी डायरेक्टली लेक्चर नंबर 7 देख रहा है तो उसे ये चीज नहीं समझ में आएगी, आपको समझना है तो पीछे जाकर लेक्चर नंबर 6 देखिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 6 से मैंने है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर निकालना बहुत ही डिटेल में बताया है। अब यहां पे ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी खुद को रिड्यूस कर रहा है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, एक मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जितने का चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, उतना ही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। अब यहां पर एक मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 2 एटम है,
तो भले ही यहां वाई एटम है लेकिन मैं सिर्फ इन वाई में से सिर्फ दो एटम का चेंज देखूंगा, ठीक है। यहां दो एटम पे जीरो है, यहां दो एटम पे माइनस फोर है, चेंज जो है जीरो से माइनस फोर चला गया, चार का चेंज है, यानी ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर फोर है। अच्छा, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 16 × 2 = 32, और बाई वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, यहां मैंने देखा कितना आ जाएगा, फोर, ठीक है, फोर आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एट हो जाएगा, एट। आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज इक्वल्स टू, इस एट को इधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा, है ना, 53 × 8 / 47, ठीक है, 47 आ जाएगा। यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल जो आएगा उसकी वैल्यू आएगी, मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर रखा है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.02, ठीक है, 9.02 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ग्राम पर इक्विवेलेंट इसकी यूनिट हो जाती है, एक इक्विवेलेंट का मास इतना हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत छोटा सा ही सही, लेकिन एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो जो आप लर्न कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है 5.04 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट, ऑफ मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस 2.4 ग्राम ऑफ 2.4 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन, ऑन कंप्लीट डी कॉम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो ये छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सिखा जाएंगे, है ना। अब देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, उसका वेट है 5.04 ग्राम, और ये मेटल कार्बोनेट जब हीट करते हैं हम तो मेटल ऑक्साइड में टूटता है ना, प्रोड्यूसेस 2.4 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। चलिए मान लिया कि मेटल का ये हिसाब किताब है ना, ऐसा ये मेटल कार्बोनेट है और ये हीट करने पे कुछ मेटल ऑक्साइड में चेंज कर रहा है, प्लस CO2 में चेंज कर रहा होगा, मैं रिएक्शन को बैलेंस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है ना। मैंने यहां 2 इसलिए लिख लिया क्योंकि कार्बोनेट के ऊपर -2 होता है तो वो यहां आ गया, और इसके ऊपर मान लीजिए +X चार्ज है तो वो यहां आ गया, ठीक है। ऐसे ही शायद यहां भी हो जाएगा, इसके ऊपर +X चार्ज रहेगा तो यहां आ जाएगा, ऑक्सीजन में -2 होता है तो यहां आ गया। अब ये कुछ रिएक्शन है, देखिए सबसे अच्छी बात लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की क्या है कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है। आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा मैंने बैलेंस करने की जहमत नहीं उठाई, मैंने कोशिश भी नहीं किया कि मैं बैलेंस करूं क्योंकि मुझे बैलेंस करना ही नहीं है। देखिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का फायदा यही है, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप किसी रिएक्शन में है ना, आपको रिएक्शन को जानने की जरूरत नहीं है, उसको बैलेंस करने की मुश्किल उठाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि क्या ये दो लोग एक ही रिएक्शन के पार्ट हैं, अगर हैं तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इसको बैलेंस मैंने यहां भी नहीं किया, मैंने इसको यहां बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं समझी, बस मुझे ये पता चले, ये भी ना पता चले तब भी चलेगा, ये ना पता चले तब भी चलेगा, बस इतना कहा जाए कि मेटल कार्बोनेट है जो कि हीट करने पर मेटल ऑक्साइड में चेंज कर गया, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बताइए, ऐसा क्वेश्चन आज भी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना भी दिया होगा तब भी हो जाएगा, मैं इतना कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मेटल कार्बोनेट के बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेगा, वेट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ऐसा इसलिए क्योंकि वेट दिया हुआ है, मेटल कार्बोनेट का वेट दिया हुआ है कितना है 5.04, और इसका भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड का भी नंबर ऑफ का वेट दिया हुआ है कितना 2.4 ग्राम। अब प्रॉब्लम क्या है, इक्विवेलेंट वेट निकालना, इक्विवेलेंट वेट निकालना उतना मुश्किल नहीं है। मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, जितना इक्विवेलेंट वेट इसका होगा और जितना इक्विवेलेंट वेट इसका होगा इसका सम ले लीजिए,
ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, जैसे मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, आप सभी कंपोनेंट्स का मॉलिक्यूलर वेट जोड़ देते हैं। अगर मैं कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर 12 एटॉमिक वेट इसका और इसका 16 × 2 = 32, 44 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अगर मैं पूछूं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट एक जैसी चीजें हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट अगर कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना होगा, तो मैं कहूंगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, दोनों जोड़ देंगे। वैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर वेट जोड़कर आप एटॉमिक वेट जोड़कर मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, वैसे इक्विवेलेंट वेट जोड़कर आप पूरे मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा? मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट। मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा? मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट। ऑक्साइड, ऑक्साइड मींस ओ माइनस, ओ टू माइनस, ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट मतलब इस कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट आप बड़े बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कार्बोनेट का कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 थ्रीजा 48, कितना आ जाएगा? 60 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। आप ध्यान दीजिए, यहां इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोनेट का कितना है? 60 है, और वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आयंस का वैलेंसी फैक्टर निकालना सिखाया था। आयंस का वैलेंसी फैक्टर निकलता है जितना उसके ऊपर चार्ज होता है उतने से आप उसे डिवाइड कर दीजिए, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऐसे में यहां कर लूंगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 16, और डिवाइड बाय उसके ऊपर चार्ज कितना है? 2। ये इसको सॉल्व करने की जरूरत है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 8। मैं कह सकता हूं 5.04 बाय ई प्लस 30 इज इक्वल टू 2.4 बाय ई प्लस 8, यानी 5.04 इंटू ई प्लस 8 इज इक्वल टू 2.4 इंटू ई प्लस 30, ठीक है। ई प्लस 30 कह सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 5.04 ई प्लस 8 × 4 = 32 एंड 5 × 8 = 40, 40.32 इज इक्वल टू 2.4 ई प्लस 24 × 3 = 72, ठीक है। घटा दीजिए, इसको उधर ले जाइए, क्या लिख सकते हैं, है ना, 5.04 माइनस है ना 2.40, 4 × 10 − 4 = 6, 2.64, ठीक है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 2.64, इसको यहां लिख रहा हूं मैं, है ना, 2.64 प्लस, ठीक है, और इसको इधर घटा दीजिए, ठीक है। तो इधर घटा देंगे तो 40 अगर घटाएंगे तो 32 आएगा, और 32 में से 32 घटा देंगे तो मेरे ख्याल से, है ना, ये आ जाएगा 31.68, E इज इक्वल्स टू 31.68, ठीक है, ये चीज निकल के आ रही है। E की वैल्यू आप निकाल लीजिए, आ जाएगी 31.68 बाय 2.64। तो ये मैंने ना आपके लिए कैलकुलेट करके पहले से रखा है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 12 निकल के आ जाएगी, आप देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने दो क्वेश्चंस किए और देखा कि ना कैसे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं। 4th क्वेश्चन मैं यही लिख रहा हूं कंटिन्यूटी में। क्वेश्चन है 0.9 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट, ऑफ मेटल सल्फेट, ठीक है, 0.98 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट वॉज डिजॉल्व इन वॉटर, ठीक है। 0.98 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट वॉज डिजॉल्व इन वॉटर। ये एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को यहां लिखते हैं, ठीक है ना। यहां लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 0.98 ग्राम ऑफ
metal sulfate was dissolved in water and excess barium chloride barium chloride the precipitate of barium sulfate weighed 0.95 gram. Calculate the equivalent weight of metal. Calculate equivalent weight of metal. Given that molecular weight of barium, atomic mass of barium is 138. Equation में दिया हुआ है. होता तो 137 है, लेकिन यहाँ पे 138 दिया. ठीक है? Solve करते हैं इसको. कैसे solve कर सकते हैं? Solution क्या आ जाएगा? एक metal sulfate है. मान लीजिए कुछ ऐसा है, ना MSO4 whole X. ये तो 2 होगा. Plus बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहे हैं, BaCl2 से रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है? तो यहां पे सल्फेट क्या बन जाएगा? BaSO4. ठीक है? BaSO4 बनेगा. BaSO4 मैंने बैलेंस करना जरूरी नहीं समझा, और प्लस मेटल क्लोराइड बनेगा. ठीक है? कुछ ऐसा. ये मान के चलो कि मेटल के ऊपर है ना प्लस एक्स चार्ज है, तो एक्स इधर आ जाता है, -2 इधर चला गया. ये रिएक्शन सा हो रहा है. अब कहा गया है कि मेटल सल्फेट जो लिया गया है वो 0.98 ग्राम लिया गया है, और ये जो जो प्रेसिपिटेट बना है ये 0.95 ग्राम है. तो पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट वेट मेटल का क्या होगा. अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल सल्फेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम सल्फेट. आप ऐसे कह सकते हैं. ठीक है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल सल्फेट कैसे हो जाएगा? तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. ठीक है? इसका वेट आपको पता है 0.98 है, और इसका भी वेट पता है आपको 0.95 है. ठीक है? ग्राम है. अब वेट तो हो गया डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या दोनों के इक्विवेलेंट वेट जोड़ दिया जाए. इन दोनों के इक्विवेलेंट वेट जोड़ दिया जाए. तो ऐसा ही करते हैं. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट. ठीक है? और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरियम. बेरियम का इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा? बेरियम का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो 138 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा. 2 6 12 2 9 18 69. बेरियम, या आप बेरियम सल्फेट का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या जरूरत है अलग अलग करने की. बेरियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. ठीक है? बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? बेरियम का 138 और सल्फेट का हो जाएगा 32, और 64 और 32 हो जाएगा 96. ठीक है? तो ये आपका 96 आ जाएगा. 234 आ जाएगा. ठीक है? तो बेरियम सल्फेट का एटॉमिक मास आ गया 234. ठीक है? 234 आ जाएगा. और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. और बेरियम सल्फेट एक सॉल्ट है. सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है? टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन या टोटल चार्ज ऑन ऑल एनायन करके निकलता है. तो यहां पे टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन 2 है, यहां पे मैंने 2 कर दिया. ठीक है? यहां मुझे सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट लिखना है. सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट जो कि 96 होता है, और डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर जो कि 2 होता है. 2. ठीक है? ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है? क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा. आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको. इसको मैंने लिख सकता हूं 48, और ये आ जाएगा 117. ठीक है? तो मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं फिर से. क्या लिख सकता हूं? 0.98 बाय E प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0.95 बाय 117. आप लिख सकते हैं E प्लस 48 इज इक्वल्स टू 117 इंटू 0.98
बाय 0.95, ठीक है। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा E प्लस 48 इज इक्वल्स टू 117 इंटू 0.98 बाय 0.95 की वैल्यू होगी 114.66 आ जाएगा बाय 0.95, यानी E प्लस 48 इज इक्वल्स टू, ये 120.69 आ जाएगा, ठीक है। और आप जब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, 72.69। इसको घटा देंगे तो इसकी वैल्यू 72.69 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने इक्विलेट वेट ऑफ मेटल निकाल लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लमजी हो गया है, जगह कम थी, है ना, लेकिन समझ में आया कि किसी भी रिएक्शन में मेटल सल्फेट और बेरियम सल्फेट है तो दोनों के नंबर ऑफ इक्विलेंट सेम कर दिए। इक्विलेंट कैसे निकलेंगे, वेट अपॉन इक्विलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विलेंट वेट, जो वेट था इसका, है ना, जो इनके रेस्पेक्टिव वेट्स थे वो हमने ले लिए, ठीक है। इक्विलेंट वेट, इक्विलेंट वेट कैसे निकला, मेटल का इक्विलेंट वेट प्लस सल्फेट का इक्विलेंट वेट, सल्फेट का इक्विलेंट वेट आयन था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और बेरियम सल्फेट का तो सॉल्ट है, सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट 234 डिवाइड बाय इसका वैलेंसी फैक्टर, सम ऑफ ऑल द चार्ज ऑन कैटायन और सम ऑफ ऑल द चार्ज ऑन एनायन, मैंने लेक्चर नंबर 6 में दिखाया था, यहां रख दिया, सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग हम लोगों ने अब तक चार क्वेश्चन किए हैं, आइए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 है हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज नीडेड नीडेड इज नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑफ 6 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 6 ग्राम ऑफ मीथेन को कंबशन करने में कितना ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका रिएक्शन लिखते हैं, CH4+O2, नो नीड टू बैलेंस, ठीक है, आप बस ये देख लीजिए क्या बन रहा है, +H2 ऐसा हो गया। अब एक चीज तो श्योर है, इसका 6 ग्राम है, इसका कितना ग्राम लगेगा पूछा गया है, मुझे मालूम है इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मीथेन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन लिख सकता हूं, ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे आएंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और ये आ जाएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। वेट कितना मीथेन का, 6 ग्राम, इसका वेट कितना, डब्ल्यू ग्राम, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 12 और 4 16 अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ मीथेन। इसका ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, इसका वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, 16 × 32 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो सब चीज आकर वैलेंसी फैक्टर पर रुक गया है, वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाए, तो देखिए कार्बन का यहां ऑक्सीडेशन नंबर -4 है, यहां +4 है, ठीक है, हाइड्रोजन यहां +1 है, यहां भी +1 है, इसलिए हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आया, और ऑक्सीजन यहां 0 है और यहां -2 है, यहां भी -2 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो श्योर हो गया, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं मुझे। अब मीथेन का में जो भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है वो सब कार्बन की वजह से आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन की वजह से नहीं आ रहा है। कार्बन में तो एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल लिया जाता है चीजों का, एक मॉलिक्यूल के लिए कार्बन है, कार्बन में कितने का चेंज आ रहा है, -4 से 0 और 0 से +4, यानी मैं कह सकता हूं इसमें टोटल 8 का इंक्रीज है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन देखिए, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लीजिए, एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन है ना, दो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 0, दो ऑक्सीजन पे इस साइड ले लीजिए चार्ज, बाकी ऑक्सीजन हमारे लिए मायने नहीं रखते, दो ऑक्सीजन कोई भी दो लीजिए, चाहे यहां का दो लीजिए चाहे यहां का दो लीजिए, वही मायने रखता है, दो ऑक्सीजन पे 0 है,
तो यहां दो ऑक्सीजन पे कितना है, माइनस फोर है, ठीक है। कितने का चेंज है, जीरो से कहां चला गया, माइनस फोर, जीरो से माइनस फोर, चार का डिक्रीज है, ठीक है। अगर यहां एक है तो एक ही के लिए चेंज देखते हैं, ठीक है। एक एक मॉलिक्यूल में दो एटम है तो दो ही एटम के लिए चेंज देखेंगे, बाकी हमारे लिए मायने नहीं रखते, ठीक है। ये मैंने लेक्चर नंबर सिक्स में सिखाया था, तो इसका वैलेंसी फैक्टर फोर हो गया, तो इसको फोर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। दिस इज लाइक टू एंड दिस इज लाइक थ्री, दिस इज लाइक एट, एट थ्री जा 24, तो वेट इज इक्वल टू 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लग गया, ठीक है, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये हो गया इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये जो है इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसको मोल कॉन्सेप्ट से करिए तो कैसे करेंगे, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से इसे कैसे किया जाएगा। और मैं दिखाना इसलिए चाहता हूं कि मोल कॉन्सेप्ट से आपको टेंशन लेनी है कि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, जबकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें किसमें चेंज कर रही है, ठीक है। अब आइए, मैं इसको मोल कॉन्सेप्ट से कर रहा हूं। अगर हम इसे मोल कॉन्सेप्ट से करते हैं तो इसको मुझे लिखना होगा, आई हैव टू राइट बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, CO2 प्लस H2O, ठीक है। मुझे एक कार्बन, चार ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन, दो और दो चार ऑक्सीजन, यहां टू लिखना होगा। अब मैं कह सकता हूं कि एक मोल मीथेन दो मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, यानी एक मोल मीथेन दो मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। यहां कितने मोल है मीथेन के, अगर वेट 6 ग्राम है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है ना 12 और प्लस 4 16, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, ये नंबर ऑफ मोल्स है मीथेन के, 6 अपॉन 16, ठीक है। एक मोल मीथेन दो मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो 6/16 मोल मीथेन कितने से रिएक्ट करेगा, जितना ये होता है उसका डबल मोल होता है ऑक्सीजन का, यानी 6/16 मोल मीथेन 6/16 इंटू क्या टू मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। दो मोल 6/16 इंटू टू मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इतने आ गए, कितने आ गए, 12/16 मोल हो गया, यानी 3/4 मोल, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 3/4 है तो वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना उतना मुश्किल काम नहीं है, वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 × 32 है ना, 4 8 32 8 3 24 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बस यही फर्क है कि मोल कॉन्सेप्ट में आपको बैलेंस करना पड़ेगा और आपकी कैलकुलेशंस भी लंबी हो जाएंगी, जबकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में यह काम आप बहुत ही सरलता से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूं यहां पे। अगला क्वेश्चन है जो मैं आपसे आपको देना चाहता हूं सीखने के लिए, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, टू एसेट्स H2SO4 एंड H3PO4 आर न्यूट्रलाइज्ड सेपरेटली बाय सेम अमाउंट ऑफ अल्कली when sulfate and dihydrogen orthophosphate are formed and dihydrogen orthophosphates are formed respectively. Find the ratio of mass of H2SO4 and H3PO4. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं कि ना क्या कहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अमेजिंग क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है H2SO4 इज रिएक्टिंग विथ, इज न्यूट्रलाइज्ड सेपरेटली बाय सेम अमाउंट ऑफ एल्कली व्हेन सल्फेट एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो H2SO4 और H3PO4 दोनों को सेम अमाउंट ऑफ अल्कली से रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अल्कली मुझे नहीं मालूम क्या है, पर ये जो है वो सल्फेट में बदल रहा है या अल्कली ले लेते हैं. ठीक है, ये सल्फेट, अच्छा लिखो, कोई बात नहीं ना, ना लीजिए है ना, अल्कली से ट्रीट किया जा रहा है, ये सल्फेट में बदल रहा है और सेम अमाउंट ऑफ अल्कली यूज करने पर ये डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट में चेंज हो रहा है, यानी है ना H2PO4 माइनस में चेंज हो रहा है. तो इनके वेट का रेशियो बताना है कि इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है. ठीक है, इसका वेट क्या है, इन दोनों के वेट का रेशियो बताना. अब सुनने में ये क्वेश्चन काफी खतरनाक लगता है कि भाई है ना, ये अल्कली से रिएक्ट कर रहा है, वो भी अल्कली से रिएक्ट कर रहा है ना, दोनों अलग अलग कर रहे हैं, इनके वेट का रेशियो हम कैसे बता सकते हैं? बहुत इजीली बता सकते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होंगे. लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से इन दोनों के भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होंगे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. और चूंकि इसमें अमाउंट ऑफ अल्कली सेम लगा है और अल्कलीज और एसिड्स का वैलेंसी फैक्टर जो है ना वो फिक्स ही होता है किसी भी रिएक्शन में, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी सेम होंगे, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों की मात्रा सेम है, इसलिए दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी सेम होंगे. भाई इस अल्कली का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे होंगे, वेट अपॉन इसी अल्कली का इक्विवेलेंट वेट, और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे होंगे, उसी वेट डिवाइड बाय वही इक्विवेलेंट वेट, दोनों का इक्विवेलेंट वेट सेम है, दोनों का वेट सेम है, तो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे. तो मैं कह सकता हूं इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर, इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर, इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर, इसके बराबर, यानी आप कह सकते हैं कि अंततः इसके इसके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, सेम हो जाएंगे. ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहां पे इस क्वेश्चन को एनालाइज करके कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 will be equal to number of equivalents of H3PO4. कह सकते हैं. ठीक है, अब इनके number of equivalents निकाले, आपको समझ में आया है ना, आपको मैंने क्या किया यहां पे, अगर ये वेट सेम नहीं होता तो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम नहीं होते, तब मैं बात नहीं कह सकता था, पर अभी कह सकता हूं इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर, इन दोनों के इसके बराबर, क्योंकि इन दोनों का वेट भी सेम है और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी सेम है, और इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए. यही किया मैंने, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, वेट तो मैंने इसका ले लिया, इसका W1 हो जाएगा और इसका वेट जो है वो W2 हो जाएगा, W2 हो जाएगा. ठीक है, ये वेट आ गया. अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकलेगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नहीं सॉरी, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और इसके नंबर ऑफ इसके इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 98 बाई वैलेंसी फैक्टर. आप देख सकते हैं इस एसिड ने 2H+ लूज किया है तभी ये सल्फेट में बदला है, यानी और किसी भी एसिड के नंबर का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, जितने H+ आयंस वो क्या कर जाए, लूज कर जाए. ठीक है, यहां पे 2H+ आयन लूज करके सल्फेट में बदला है, यानी यहां पे 2 हो जाएगा. ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे, वेट इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 3 प्लस फॉस्फोरस का 31 और 16 फोर 64, तो आप पाएंगे ये भी 98 आ जाता है, 98 अपॉन वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर ध्यान देने वाली बात है, भले इसके पास तीन एसिडिक है पर ये सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन लूज कर रहा है, क्योंकि ये डाई हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन वाले ऑर्थोफॉस्फेट में चेंज हो रहा है, यानी यहां से यहां आने में सिर्फ एक ही H+ इस एसिड ने लूज किया है, इससे इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 98 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा. मैं कह सकता हूं है ना, 2 × W1 is equals to W2, यानी W1 by W2 is equals to 1:2, यानी इनके वेट का रेशियो 1:2 होगा. ठीक है ना, रिएक्ट करते वक्त. ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स
moles of oxalate ions oxidized by 1 mole of MnO4 minus ion in acidic medium A 5/2, B 2/5, C 3/5 और D है ना 5/3, ठीक है 5/3 ये क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या होगा। ऑक्सलेट आयन किसे कहते हैं? C2O4 2-, MnO4 कहते हैं है ना, और ये MnO4 माइनस पर मैंगनेट तो है ही है। जब भी मीडियम एसिडिक होता है ना, एसिडिक मीडियम होता है, तब MnO4 माइनस Mn+2 में चेंज करता है। ये बात मैं अभी आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा आपको, ठीक है ना, इसमें चेंज करता है। और ऑक्सलेट आयन जो है, ऑक्सलेट आयन जनरली कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है, CO2 में चेंज कर जाता है, ठीक है ना। ऑक्सलेट आयन हमेशा अमूमन रिडॉक्स रिएक्शन में CO2 में चेंज करता है। तो ये रिएक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन ऑक्सीडाइज बाई 1 mole ऑफ, ये 1 mole लगा है ना, इसके कितने मोल लगेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसके n मोल लगे। अब मैं एक चीज तो श्योर कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ इक्वल, भाई दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सलेट आयन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ पर मैंगनेट आयन MnO4 माइनस आयन, ठीक है। इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम हो गए, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, और इसका निकल आया इसके नंबर ऑफ मोल्स इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर। इसके नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है 1 है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स भी हमें पता है n है, ठीक है। अब बात आ गई वैलेंसी फैक्टर की। वैलेंसी फैक्टर रेडॉक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कैसे निकलता है? एक मॉलिक्यूल ले लीजिए और इसमें कितने का चेंज आ रहा है, इस एक मॉलिक्यूल में मैंगनीज +7 पे और यहां पे +2 में है ना, टोटल चेंज जो है वो 5 का है, 5 का डिक्रीज है, ठीक है, 5 का डिक्रीज है। तो यहां पे आप 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और MnO4 माइनस का, सॉरी ये 5 यहां आ जाएगा, 5 का डिक्रीज है, तो ये 5 इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। जबकि कार्बन ऑक्सीलेट के लिए कैसे निकालेंगे? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीलेट में 2 कार्बन है, एक कार्बन पे +3 है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, तो मैं 2 कार्बन के लिए यहां चेंज निकालूंगा, 2 कार्बन के लिए चेंज निकालूंगा। यहां एक कार्बन पर +4 चार्ज है। अब यहां अगर एक कार्बन पे +3 है तो 2 कार्बन पे कितना हो जाएगा? 6। और यहां एक कार्बन पे +4 है तो 2 कार्बन पे कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। आप 6 से 8 जा रहे हैं, यानी 2 का क्या हो रहा है? इंक्रीज है, ठीक है, 2 का यहां पे इंक्रीज है। तो मैं कह सकता हूं ऑक्सलेट का वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो यहां पे आप सब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, 5/2 निकल के आया, यानी हमारा जो ये ऑप्शन है वो एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 5/2 आ जाएगा। अगली चीज क्या? अगली चीज क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 mole each of FeSO4 and FeC2O4 in acidic medium, ठीक है, in acidic medium. Now that is also a beautiful question. Again here also we have got options. Option A क्या है? Option A है 4/5, B है 5/4, C है 3/4 moles, और D है 5/3 moles, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
ठीक है, क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच रहेगा इसका? एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस के MnO4 माइनस हमेशा Mn प्लस टू में चेंज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, यानी सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी हो सकती है? देखिए, सल्फेट में सल्फर प्लस सिक्स स्टेट में और फर्दर ऑक्सीडाइज होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सिक्स होता है, उससे बढ़कर अब ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, आयरन में जरूर चेंज आ सकता है, आयरन प्लस टू स्टेट में ऑक्सीडाइज होकर कहां जा सकता है? प्लस थ्री स्टेट तक जा सकता है। आयरन दो ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है, प्लस टू और प्लस थ्री, तो प्लस टू वाला आयरन जो है प्लस थ्री में जा सकता है, ठीक है। ये एक रिएक्शन होगा। अगला रिएक्शन क्या होगा? फेरस ऑक्सलेट के साथ क्या रिएक्शन हो सकता है? फेरस ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन को अलग से एनालाइज करते हैं हम। मान लीजिए ऐसा है कि MnO4 changes into Mn plus 2 plus iron। अब ध्यान दीजिए, यहां पे भी ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, तो होगा क्या, ये तो प्लस टू में चला जाएगा। हाँ, अब यहां इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। आयरन के स्टेट में है प्लस टू, कहां ऑक्सीडाइज होके जा सकता है? प्लस थ्री, ठीक है, प्लस थ्री में जा सकता है। और मैंने हमेशा, हम लोगों ने देखा, इस लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है कि ऑक्सलेट्स जो है ना, वो हमेशा ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड में जाते हैं। अगले लेक्चर में मैं इस चीज पर जरूर बात करूंगा कि कौन कौन सी चीजें किस किस स्टेट में ऑक्सीडाइज होके जाती हैं, है ना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपने इतने वेरिएशंस नहीं है तो आप समझ भी सकते हैं। एक दो ही एग्जांपल है, MnO4 हमेशा प्लस टू में जाएगा एसिडिक मीडियम में, और ऑक्सीलेट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करेगा। तो यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रहा है, ठीक। अब टोटल कितने मोल लगे होंगे? अगर इसका एक मोल है और इसका एक मोल है, इसका एक मोल है और इसका एक मोल है, तो इसके कितने मोल लगे और इसके कितने, टोटल कितने मोल लगे? यानी हमें हमसे पूछा जा रहा है क्या कि हम लोगों से कि N1 plus N2 की वैल्यू क्या है, ठीक है, N1 plus N2 की वैल्यू कितनी है ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़े आसानी से हो जाएगा, कर सकते हैं। यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके लिए? इसके लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस सल्फेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, KMnO4 इन दिस रिएक्शन, ठीक है। और ऐसा ही कुछ इसके लिए भी कर लेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, और नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हो जाएंगे? मान लीजिए N1 है, N1 ले लिया। अब बात आती है वैलेंसी फैक्टर की, तो यहां पर जिस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है वो सिर्फ आयरन है, ठीक है। एक मोल इस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में एक ही आयरन है, तो एक ही आयरन के लिए हम लोग चेंज देखेंगे। एक आयरन पे जो यहां प्लस टू है, यहां प्लस थ्री है, चेंज एक का है, एक का इंक्रीज है, ठीक है, एक का इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे MnO4 माइनस का देखते हैं, MnO4 माइनस यहां पे किस स्टेट में है? प्लस सेवन। यहां कितने पे है? प्लस टू। एक मॉलिक्यूल के लिए देखना है, एक मॉलिक्यूल में एक ही मैंगनीज है, एक ही मैंगनीज का हम चेंज देखेंगे, ये आ जाएगा फाइव का डिक्रीज है, यही इसका वैलेंसी फैक्टर फाइव हो जाएगा। तो इसका FeSO4 का वैलेंसी फैक्टर वन है और इसका फाइव है। मैं कह सकता हूं एन वन की वैल्यू वन बाई फाइव आ गई, ठीक है, ये एन वन की वैल्यू आ गई। आगे चीजें क्या नेक्स्ट, इससे लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट, ठीक है, फेरस ऑक्सलेट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होंगे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 माइनस, KMnO4 के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, ठीक है, इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होंगे। इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, और इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? वन मोल है, यहां पे वन ले लिया, इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर लिखना बाकी है। KMnO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? एन टू है, यहां पे एन टू लिख लीजिए, ठीक है, और इसका वैलेंसी फैक्टर तो आप पहले से ही जानते हैं क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है, फाइव है इसका वैलेंसी फैक्टर, फाइव है। और फेरस ऑक्सलेट का वैलेंसी फैक्टर मुझे निकालना होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर एक सॉल्ट के दो कंपोनेंट्स हैं और दोनों अलग अलग ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करते हैं तो उनको हम लोग जोड़ लेते हैं। यानी यहां एक मोल चीज लेने पे एक ही आयरन है, एक आयरन पे यहां प्लस टू है और यहां एक आयरन पे प्लस थ्री है, यानी यहां टू से थ्री कितने का चेंज हो गया? एक का चेंज हो गया, वन का तो यहां इंक्रीज है, ठीक है, प्लस। अब बात होती है ऑक्सलेट इसकी, है ना, C2O4 2 माइनस की। यहां एक मॉलिक्यूल में दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए मैं चेंज निकालूंगा, यानी यहां पे मैं दो कार्बन कर दिया। यहां एक कार्बन पे कितना चार्ज है? प्लस थ्री, ठीक है, तो दो कार्बन पे कितना हो जाएगा? प्लस सिक्स। यहां पे एक कार्बन पे कितना है? प्लस फोर, तो दो कार्बन पे कितना हो जाएगा? प्लस एट। प्लस सिक्स से प्लस एट हो जा रहा है, यानी दो का क्या है?
इंक्रीज है, ठीक है, दो का इंक्रीज है, ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा, तीन का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इस फेरस ऑक्सलेट के नंबर ऑफ जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर यहां पे थ्री हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि N2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3/5, ठीक है। और अगर N2 की वैल्यू 3/5 आ गई, जो हमसे पूछा गया है कि टोटल KMnO4 के मोल्स कितने लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ KMnO4 that will be required will be equal to N1 plus N2 which is equal to 1/5 plus 3/5, that is what, 4/5 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा जो है ये वाला आंसर जो है फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो लगभग हम लोगों ने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे 8 क्वेश्चंस किए हैं, अभी भी मेरे पास एक दो क्वेश्चन बाकी है। आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहते हैं, 2.7 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड सिल्वर आर डिजॉल्व्ड इन मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड एक्सेस ऑफ HCl वॉज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, एक्सेस ऑफ HCl वॉज एडेड टू दिस सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूशन फुल स्टॉप 2.87 ग्राम ऑफ ड्राई प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ड्राई प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द एलॉय, ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द एलॉय। तो कहा क्या जा रहा है कि एक एलॉय है जिसमें कॉपर और सिल्वर दोनों है, दोनों को कॉन्सेंट्रेटेड ना माइल्डली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम ये लोग एसिड से रिएक्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन है ना HNO3 और H2SO4 से रिएक्ट करते हैं क्योंकि यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो नेट रिजल्ट शायद यही रह जाएगा, ये नेट रिजल्ट यही रहेगा CuNO3 होल ट्वाइस है ना, और यहां पे AgNO3 बनेगा HNO3 के साथ ट्रीट करने पे। लेकिन जैसे ही आप HCl डालेंगे है ना, रिएक्शन अगर मान ली डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो CuCl2 बना, AgCl बनेगा, ये AgCl प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि है ना 2.7 ग्राम ऑफ एलॉय था, यानी इसका वेट W ले लीजिए तो इसका 2.7 माइनस W हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रेसिपिटेट मिला वो 2.87 है, ये 2.87 ग्राम प्रेसिपिटेट मिला मुझे। तो कॉपर का परसेंटेज निकालना है मुझे, ठीक है, कॉपर का परसेंटेज निकालना है। कॉपर का परसेंटेज कितना होता है, वेट अपॉन टोटल वेट 2.7। देखिए टोटल वेट एलॉय का 2.7 था, इसका वेट W मान लिया मैंने, तो इसका वेट 2.7 माइनस W हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है इसका परसेंटेज निकाल, इसका परसेंटेज तब आ जाएगा जब मैं W की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा। आइए देखते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होंगे, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट्स इसके बराबर होंगे और इसके इक्विवेलेंट्स इसके बराबर होंगे, ठीक है, एक ही रिएक्शन के पार्ट है, एक ही रिएक्शन में है ना, एक ही टेस्ट ट्यूब में सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, ये इसके इक्विवेलेंट सेम होंगे। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ AgCl, ठीक है, AgCl। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर कितने होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर कैसे लें, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इसका आ जाएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। वेट कितना है,
है 2.7 माइनस डब्ल्यू अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इसका वेट कितना है 2.87 बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और इसका भी आ जाएगा एटॉमिक वेट इसका 108 और इसका 35.5 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब सिल्वर का वैलेंसी फैक्टर क्या है, एक सिल्वर जीरो स्टेट से प्लस वन स्टेट में जा रहा है, एक का चेंज आ रहा है यानी वन। और AgCl एक सॉल्ट है, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर मैंने निकालना लेक्चर नंबर 6 में सिखाया था कि टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन या टोटल चार्ज ऑन ऑल एनायन जो है वो आपका वैलेंसी फैक्टर है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं इससे, इससे लिख सकते हैं 2.7 माइनस डब्ल्यू बाय 108 इज इक्वल्स टू 2.87 बाय 143.5। सॉल्व करते हैं इसे, 2.7 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 108 इंटू 2.87 बाय 143.5। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3.9 डिवाइडेड बाय 143.5। ठीक है, फिर लिख सकते हैं हम ये आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2.16 आ जाएगा। ठीक है, यानी W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W की वैल्यू हो जाएगी 2.7 माइनस 2.16। ठीक है, यानी W की वैल्यू आ जाएगी, हाँ जीरो है, 0.54 आ जाएगा। ठीक है, 0.54 ग्राम आ गया। अब अगर मैंने वेट निकाल लिया कि W की वैल्यू 0.54 है, तो आप जानते हैं टोटल परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालना उतना मुश्किल काम नहीं है। परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर जीरो W है, W यानी 0.54 वेट ऑफ कॉपर हो जाएगा, वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मॉलिक्यूल टोटल वेट ऑफ एलॉय, वेट ऑफ कॉपर बाय टोटल वेट ऑफ एलॉय, टोटल वेट ऑफ एलॉय इज 2.7। ठीक है, तो यहां पे आप 2.7 लिख देंगे इनटू 100। ठीक है, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी, ठीक है, और ये आ जाएगा है ना 20% आ जाएगा। ठीक है, तो यहां कॉपर का जो परसेंटेज है वो 20% हो जाएगा। ठीक है, आपका 20% आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन रहा जो हम लोगों ने देखा। आइए एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जो कि ना लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस लेक्चर का। क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन। द रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट चेंजेस इंटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर गोज कंप्लीटली टू राइट, मतलब ये खत्म हो जाता है कंप्लीटली टू राइट। इन वन एक्सपेरिमेंट 10 gram of metallic zinc was added to copper sulfate solution after all the copper was precipitated, it was found that not all zinc had dissolved. After filtration, after
फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन द टोटल वेट ऑफ ऑल द सॉलिड्स, द टोटल वेट ऑफ ऑल द सॉलिड्स, ऑल द सॉलिड्स एट एंड ऑफ रिएक्शन वॉज 9.81 ग्राम. कैलकुलेट, कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर, कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड. तो काफी लंबा क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है. एक रिएक्शन हो रहा है जिंक और कॉपर सल्फेट में, जो जिंक सल्फेट और कॉपर में चेंज कर रहा है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका. ठीक है, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट चेंजेस इनटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है, गोज कंप्लीटली टू राइट इन वन एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम ऑफ मेटालिक जिंक. 10 ग्राम हमने मेटालिक जिंक लिया है, वॉज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऑफ द ऑल द कॉपर वॉज प्रेसिपिटेटेड. तो ये तो खत्म हो जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेटेड. इट वॉज फाउंड दैट नॉट ऑल जिंक वॉज डिजॉल्व. तो मैं मान के चल रहा हूं कि जिंक का डब्लू वेट रिएक्ट किया, 10 ग्राम लिया था उसमें से डब्लू रिएक्ट कर गया, ये नहीं बचा है, ठीक है ना. डब्लू रिएक्ट कर गया यानी 10 माइनस डब्लू बच गया होगा, ठीक है, 10 माइनस डब्लू वेट जो है जिंक का बचा रह गया, ठीक है, डब्लू रिएक्ट कर गया. After all the copper was precipitated, it was found that not all zinc was dissolved. After filtration, the total weight of all the solid at the end of reaction was 9.81 gram. Calculate the weight of copper deposited. मान लीजिए इसका W weight लगा और इसका W1 weight बना, तो reaction खत्म होने के बाद ये solid बच गया है ना, और zinc जो solid बच गया है वो 10 minus W बच गया है, ठीक है ना, 10 माइनस W बच गया है. तो कहा जा रहा है कि टोटल वेट ऑफ ऑल द सॉलिड, देखिए ये तो सॉलिड ये तो खत्म हो गया, गायब हो गया, ये सॉलिड में सॉलिड बचा है लास्ट में, वो जिंक का वो वेट, ये वेट वो है जो खप गया और ये वेट वो है जो बच गया है ना. तो ये जिंक का वेट बचा होगा और ये कॉपर का वेट जो बना होगा, ये दोनों जो है मिलकर लास्ट में होंगे, ठीक है. तो लास्ट में जितना सॉलिड बचा उसका वेट कितना है, 9.81 ग्राम. तो मैं कह सकता हूं ये जो 9.81 ग्राम है ये वो वेट है कॉपर का जो डिपॉजिट हुआ, प्लस ये वो वेट है जिंक का जो बच गया, ठीक है. लेट इट इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन वन हो गया. मुझे वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड निकालना है, यानी मुझे W1 की वैल्यू चाहिए. W1 की वैल्यू तब आ जाएगी जब W1 और W में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा, तो एक और इक्वेशन आ जाएगा और दो इक्वेशन दो वेरिएबल हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व कर पाएंगे. तो आइए एक और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं. वो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, जिंक के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और कॉपर के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है. तो मैं कह सकता हूं कि जिंक के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और कॉपर के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो रिएक्शन में पेट कर रहे हैं या किए हैं वो दोनों सेम होंगे. मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यहां पर लगा देता हूं, ठीक है. तो क्या लिख सकता हूं, एक इक्वेशन जो मैंने यहां लिखा है मैं इसको यहां लिख रहा हूं फिर से, ठीक है. इस इक्वेशन को मैं फिर से है ना यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है. मैंने एक इक्वेशन लिखा 9.81 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वन प्लस 10 माइनस W. ये जिंक का वेट है, ये कॉपर का वेट है, ये इक्वेशन वन हो गया. एक इक्वेशन में लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक रिएक्टेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर विच इज डिपॉजिटेड, ठीक है. तो जिंक जो रिएक्ट किया उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकल जाएंगे, जिंक का जो टोटल वेट है जो रिएक्ट किया है रिएक्शन वो डब्ल्यू है, और कॉपर का जो बना है वो डब्ल्यू वन है, ठीक है. मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. जिंक का वेट मैंने W माना है और जो रिएक्ट किया है तभी 10 माइनस W बचा है टोटल में से, टोटल 10 लिया गया था, और कॉपर का वेट जो डिपॉजिट हुआ है वो W1 है. अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट की, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट विल बी एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. जिंक का एटॉमिक वेट 65 है बाय वैलेंसी फैक्टर, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट जो है वो 63.5 है बाय वैलेंसी फैक्टर, बाय वैलेंसी फैक्टर, दोनों की वैलेंसी फैक्टर लेना है मुझे,
ठीक है ना, दोनों का वैलेंसी फैक्टर पता लगाना है। तो चलिए बड़े आराम से निकाल सकते हैं वैलेंसी फैक्टर। आप देख सकते हैं कि यहां पर है ना जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से ठीक है, यानी 2 का इंक्रीज है, इसका वैलेंसी फैक्टर भी 2 हो जाएगा। और अगर आप देखिए, अगर आप जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना उसको उल्टा कर दीजिए, कॉपर कॉपर अगर कॉपर सल्फेट में चेंज करता तो इस कॉपर का इक्विवेलेंट वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाता, पहले 0 है और ये 2 है यानी 2 इंक्रीज, तो इसका भी वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जिंक का भी 2 है, कॉपर का भी 2, आप देख सकते हैं 2 का चेंज आया है। ठीक है, तो दोनों के है ना वैलेंसी फैक्टर जो है वो 2 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 और ये भी आ जाएगा 2। ठीक है, अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, है ना, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि 63.5W कैन बी रिटन एज 65W1। ठीक है, 65W1 मुझे W1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता लगाना है कितना कॉपर जो है डिपॉजिट किया, तो W1 की वैल्यू तब निकल जाएगी जब मैं W की वैल्यू को W1 के टर्म्स में यहां रख दूं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं W कैन बी रिटन एज 65 बाय 63.5। ठीक है, 65 बाय 63.5 इंटू W1। ठीक है ना, ये आ जाएगा 1.023W1 आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, इतना आ जाएगा। तो इस W की वैल्यू को हम लोग यहां रखेंगे। ठीक है, इस W की वैल्यू को मैं यहां रख रहा हूं और फिर इसको मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, क्या लिख सकता हूं, 9.81 इज इक्वल्स टू W1 प्लस 10 माइनस 1.023W1। ठीक है, ये इधर घटा दीजिए, ये आ जाएगा 0.19 इज इक्वल्स टू माइनस -0.023W1। ठीक है, और W1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.19 बाय 0.023। ठीक है, ऐसे ये आ जाएगी इतना ग्राम, और W1 की वैल्यू जो आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये निकल के आ जाएगी 0.190 बाय 0.023 ग्राम की वैल्यू जो आएगी 8.26 ग्राम आ जाएगी। ठीक है, तो ये 8.26 ग्राम आ जाएगी। तो हमने पता लगा लिया कि वेट ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट किया। तो आज इस क्वेश्चन पर 10th के बाद मैं इस लेक्चर को खत्म मानता हूं, और आशा है कि आपने लर्न किया होगा कि कैसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। ना पूरी बात इतनी है कि किसी भी रिएक्शन में सब किसी भी 2 कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम हो जाएंगे। ठीक है, उनको कैसे अप्लाई करना है, इसमें 10 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो इस छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए काफी ज्यादा है। ठीक है, आशा आपको समझ में आया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग और अब टाइट्रेशन में यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, टाइट्रेशन में कोई एक चीज अननोन होती है, कोई एक चीज नोन होती है, तो नोन चीज से अननोन चीज का अमाउंट हम पता लगा लेंगे सिर्फ ये कह के कि के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं टाइट्रेशंस पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।